ये जो राजस्व विभाग है और इसके जो निचले तबके के कर्मचारी हैं, चाहे आरआई हों चाहे पटवारी हों, उनका स्टैंडर्ड आप जाके देखिए। वो जब मुर्गा मुर्गी में काम नहीं करते, हजारों रुपया का डिमांड करते हैं, और आप जा करके जमीनी स्तर पर पता कर लीजिए, मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मैं तो खुद उसका भुक्त भोगी हूँ कि हजारों रुपये हमने भी दिया है, नहीं दीजिएगा तो काम भी नहीं होगा। और ऐसे कर्मचारी आरोप लगाएं कि SDM ने उनसे मुर्गा मांगा, उनसे कबूतर मांगा और उनसे स्नो पाउडर के लिए पैसा मांगा या सामग्री मांगा, ये मेरे गले नहीं उतरता। कुछ दिनों से हमारे छत्तीसगढ़ में एक मुर्गा और कबूतर कबूतरी के बात को लेकर के हंगामा सा मचा हुआ है, और हंगामा किसके लिए मचा है और कैसे मचा है, हमारे छत्तीसगढ़ में एक ज़िला है जसपुर, आदिवासी बहुल्य ज़िला, और वहाँ एक बगीचा नाम का अनुभाग मंडल है जिसके SDM ज्योति बबली खुजूर जी के बारे में, जिनसे ये कहा जा रहा है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वे अधीनस्थ मातहतों के लिए से मुर्गा मुर्गी कबूतर और सौंदर्य के सामग्रियां मंगाती हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, ये जो राजस्व विभाग है और इसके जो निचले तबके के कर्मचारी हैं, चाहे आरआई हों चाहे पटवारी हों, उनका स्टैंडर्ड आप जाके देखिए। वो जब मुर्गा मुर्गी में काम नहीं करते, हजारों रुपया का डिमांड करते हैं, और आप जा करके जमीनी स्तर पर पता कर लीजिए, मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मैं तो खुद उसका भुक्त भोगी हूँ कि हजारों रुपये हमने भी दिया है, नहीं दीजिएगा तो काम भी नहीं होगा। और ऐसे कर्मचारी आरोप लगाएं कि SDM ने उनसे मुर्गा मांगा, उनसे कबूतर मांगा और उनसे स्नो पाउडर के लिए पैसा मांगा या सामग्री मांगा, ये मेरे गले नहीं उतरता। अरे भाई, SDM जब उसका अधीनस्थ छोटा कर्मचारी जो है हजारों रुपए लेता है, तो SDM क्या कबूतर कबूतरी मांगेगा? अरे SDM का जो औकात है, SDM का जो स्तर है, हजारों नहीं लाखों में होता है, ऑफर होता है कि आप इतना पैसा लीजिए, हमारा काम कीजिए। इस प्रकार का आरोप लगाना मैं समझता हूँ बहुत ही घटिया राजनीति है, और मैं भी समझ सकता हूँ, मैं एक कर्मचारी लीडर रहा हूँ, मैं कर्मचारी संगठन का प्रदेश महामंत्री रहा हूँ, हमने भी बहुत सारे आंदोलन किए हैं, अधिकारियों के विरुद्ध किए हैं, SDM नहीं कलेक्टर SP के बारे में हमने को आंदोलन किया है, लेकिन इस प्रकार का जो ओछी राजनीति है कर्मचारी संगठन का, ये घिनौनी राजनीति, ये समझ से परे है। मैं तो ये भी देखा है कि बहुत लोग राजनीतिज्ञों के इशारे पे इस प्रकार का काम करते हैं। मैं तो शासन से अनुरोध करना चाहूँगा, प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि इनकी जांच कराई जाए, SDM साहब का भी जांच कराई जाए, और जिन लोगों ने कंप्लेंट किया है, जिन लोगों ने आरोप लगाया है, इनका आय से अधिक आप संपत्ति पाएंगे, इनका स्टैंडर्ड आप लिविंग देखेंगे, इनका रहन सहन देखेंगे, तो आप दंग रह जाएंगे। अरे 30-35 हजार
या 40,000 पाने वाला कर्मचारी और उसका रहन सहन क्लास वन क्लास टू के जैसा होता है। मैं तो शासन से मांग करना जाऊंगा कि इनकी जांच करें इस संपत्ति की, और आय से अधिक संपत्ति होती है उसको राजसात करें और इन पर कार्रवाई करें और इनको बर्खास्त करें ऐसे लोगों को।